हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा अपडेट आपके लिए, हमने ANN से स्टार्ट किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अराउंड 39 वीडियोज़ हैं अभी प्लेलिस्ट में और ANN वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एकदम बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने बैक प्रोपगेशन जैसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक कवर किया। उसके बाद हमने एक पूरा सेक्शन कवर किया हाउ टू इम्प्रूव योर न्यूरल नेटवर्क। वो पूरा पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि कॉल बैक्स और टेंसर बोर्ड, ये सब टॉपिक्स बचे हुए हैं। इनके लिए मैं एक अलग केरास का प्लेलिस्ट बना दूंगा। बट जो भी ANN से कंसर्न टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए एंड दैट इज़ वाई आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला बड़ा टॉपिक विच इज़ CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। सो CNN क्या होता है शायद आपको पहले से पता भी होगा। ये भी एक क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स है जिनको बहुत यूज़ किया जाता है इमेज बेस्ड डेटा के ऊपर। और आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे आसपास जो CNN को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट CNN क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इंट्यूशन भी दिया है और मैंने ये भी बताया कि CNN को मैं कवर कैसे करूँगा। मेरा प्लान है अगले 10-12 वीडियोज़ में मुझे CNN को एंड टू एंड कम्प्लीट करना है और फिर हमें मूव कर जाना है RNN की तरफ। तो ठीक है, मतलब इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट डिस्कस CNN होता क्या है, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ऑल्सो नोन एज कॉन्वनेट और CNNs आर अ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क फॉर प्रोसेसिंग डेटा दैट हैज़ अ नोन ग्रिड लाइक टोपोलॉजी लाइक टाइम सीरीज डेटा 1D में या फिर इमेजेस 2D में। सिंपल वर्ड्स में ये CNN जो होता है वो एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, और ये स्पेशली यूज़ किया जाता है जब आपके पास ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर हो आपके डेटा में। जैसे कि 1D डेटा में आपके पास एक टाइम स्टैम्प के बाद दूसरे टाइम स्टैम्प में डेटा आते रहता है, ये 1D टोपोलॉजी है ग्रिड लाइक। और सेकेंड है इमेजेस, जहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल हमारा इमेज इस तरीके से अरेंज रहता है। तो अगर कभी भी आपके पास ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है आपके डेटा में तो फिर आप वहाँ पे CNNs को अप्लाई कर सकते हो एंड इट वुड गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम है एक CNN का कि वो कैसा दिखाई देता है। आई नो इस पॉइंट पे बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा बट डोंट वरी, हम लोग इसको थोड़ा सा डीकोड करेंगे। टेक्निकली अगर आप बात करो तो क्या डिफरेंस होता है ANN के कंपैरिजन में। सो CNNs में जैसा उसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक कॉन्वोल्यूशन लेयर होता है। यू कैन सी ये जो लेयर है ना, ये हुआ या फिर ये हुआ या फिर ये हुआ, इनको हम कॉन्वोल्यूशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ना, ये एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, इससे डिनोट किया जाता है। ये डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल ANN जहाँ पर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हो। ये आपको याद रखना है, ANN में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हो, CNN में आप कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि देख के कैसे समझ में आएगा किसी न्यूरल नेटवर्क को कि वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, बहुत सिंपल इसका आंसर है। अगर आपको उसके आर्किटेक्चर में एक भी कॉन्वोल्यूशन लेयर दिख जाए, इट मीन्स कि वो एक CNN है, ठीक है। टोटल मिला के 3 टाइप के लेयर्स आपको दिखाई देंगे एक CNN के अंदर। पहला होता है कॉन्वोल्यूशन लेयर, सेकंड होता है पूलिंग लेयर, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, और लास्ट होता है फुली कनेक्टेड लेयर। ये वही लेयर है जो ANN के अंदर भी होता है, ये वाले लेयर्स जहाँ पे हर नोड हर आगे वाले नोड से कनेक्टेड होता है, उसको हम FC लेयर कहते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर। तो एक CNN के अंदर ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। यू कैन सी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, पूलिंग लेयर है, और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये आपका FC लेयर है। इन तीनों को मिला करके CNN बनता है, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि CNN बना कैसे था, तो इसका जो इंस्पिरेशन है ना वो आया है ह्यूमन से, ठीक है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आवर ओन विजुअल कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसको यूज़ करके हम देख पाते हैं। हमारा जो CNN है वो उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब अगला जो पूरा वीडियो है उसमें मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे बायोलॉजिकल कनेक्शन है, कैसे एक न्यूरो
साइंटिफिक कनेक्शन है सीएनएन का हमारे दिमाग के साथ। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने एक बार ह्यूमन ब्रेन को स्टडी किया और फिर अपने स्टडी को कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में ट्रांसफर किया, विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इस पॉइंट पे आपको इतना पता होना चाहिए कि इट इज़ हैविली इंस्पायर्ड बाय आवर ओन ब्रेन। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, तो 1998 में यान लेकुन जो हैं उन्होंने पहला सक्सेसफुल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाया था AT&T लैब में, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया था, एक ऐसा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाया था जो चेक्स जो होते हैं, बैंक चेक्स होते हैं, उनको स्कैन कर सकता था। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे OCR रीडिंग एंड हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन टूल्स बनाए, जिसके बाद CNNs के ऊपर काफ़ी रिसर्च होने लगा। और अब तो ऐसा हालत हो गया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग कार तक हर जगह पर CNN यूज़ होता है। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि CNN इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूरल नेटवर्क्स आउट देयर, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल वन ऑल्सो, बिकॉज जितना सक्सेसफुली हमने CNNs को इम्प्लीमेंट किया है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, उतने अच्छे तरीके से और कोई भी आर्किटेक्चर शायद ही इम्प्लीमेंट हुआ है। रिसेंटली RNNs बहुत यूज़ हो रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है CNNs का इम्पैक्ट हमारी करेंट सोसाइटी पे ज़्यादा होगा। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि CNN की ज़रूरत क्यों है। हमने डिस्कस किया कि CNN इमेज डेटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम ANN को यूज़ ही नहीं कर सकते इमेजेस के ऊपर? द आंसर इज़ नो, आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने ये प्लेलिस्ट पूरा देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि हमने MNIST डेटा सेट के ऊपर हैंड राइटिंग क्लासिफिकेशन किया था यूजिंग अ ANN, और काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी भी आया था, अराउंड 98%। इसका मतलब आप इमेज डेटा के ऊपर ANN को यूज़ कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि रिजल्ट्स उतने सैटिस्फैक्ट्री नहीं आएंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि CNN विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन ANN। और उसका रीज़न ये है कि ANN को अगर आप इमेज डेटा पे यूज़ करते हो तो कुछ परेशानियां हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिस्कस करने के पहले आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए पहले से कि इमेज जो होता है वो बेसिकली पिक्सल्स का एक 2D ग्रिड होता है। यू कैन सी यहाँ पर एक मंकी का इमेज है, जहाँ पर यू कैन सी वो पिक्सल से मिलके बना है। सो अलग अलग पिक्सल में अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, नंबर्स होंगे, और उसी की वजह से हमें ये इमेज ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ANN अगर आप यूज़ करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिख दी हैं, हम लोग इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। सो आपको पता है कि जब आप ANN बनाते हो तो आप बेसिकली आपके पास हिडन लेयर्स होते हैं लाइक दिस, और फिर आउटपुट लेयर होता है। अब पॉइंट ये है कि हम इस ANN में ये इमेज का डेटा कैसे डालेंगे। तो एक तरीका जो यूज़ होता है वो ये है कि हम इस 2D ग्रिड को 1D में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये पहला रो आपने पकड़ा, ये पहला रो इज़ बेसिकली एन एरे ऑफ नंबर्स, इसको आप उठा के ऐसे रख लेते हो, ये रहे वो नंबर्स। मान लो ये 40x40 का इमेज है, तो बेसिकली हमारे पास 40 रोज़ हैं और हर रो में 40 नंबर्स हैं, तो ये मेरा पहला रो हो गया। फिर मैं ये दूसरे रो को उठाऊंगा, उसके नीचे ले आऊँगा, फिर मैं तीसरे रो को इस तरीके से नीचे ले आऊँगा। सो टोटल मिला के मैं इन सारे नंबर्स को 1D में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो मेरे पास ये 1600 पिक्सल्स का वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, एक फुली कनेक्टेड लेयर से कनेक्ट कर दूंगा इन सबको, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू फॉर्म अ ANN। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। मान लो अगर आपका ये हिडन लेयर है और इसमें 100 यूनिट्स हैं या 100 नोड्स हैं, तो कैन यू काउंट यहाँ पे कितने वेट्स हो जाएंगे? 1600 जो कि यहाँ पर है
मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये हो गया 1,60,000। सो आप अगर एक 40x40 का इमेज ले रहे हो, जो कि एक बहुत ही छोटा इमेज है, और आप एक बहुत छोटा हिडन लेयर ले रहे हो जिसमें सिर्फ 100 यूनिट्स हैं, तो आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट लेयर में देर आर 1,60,000 वेट्स टू बी ट्रेंड। इमेजिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ा इमेज हो 1,000x1,000 का, और आपके पास ये हिडन लेयर में 500 यूनिट्स हो, तो फिर ये रहे आपके नंबर ऑफ वेट्स। सोचो इतने वेट्स के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है, बैक प्रोपगेशन परफॉर्म करना है, इमेजिन द कंप्यूटेशन कॉस्ट। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से हम ANN यूज़ नहीं करते, बिकॉज जैसे जैसे इमेज का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये वेट्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये वेट्स बढ़ेंगे आपका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बड़े डेटा सेट के ऊपर इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन योर मॉडल। सो दिस इज रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू इज़ ओवर फिटिंग। सो अगर आप यहाँ पे हर पिक्सल को यहाँ पे हर नोड से कनेक्ट कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन सिंस इतने सारे कनेक्शंस होंगे, आप हर माइन्यूट पैटर्न जो इमेज में होगा उसको कैप्चर करने की कोशिश करोगे, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, ओवर फिटिंग की। आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा, बट जब उसको जब टेस्ट डेटा पे लेके आओगे रिजल्ट्स ट्रांसलेट नहीं होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ओवरफिटिंग भी बहुत होता है जब आप ANN को यूज़ करते हो अलॉन्ग विथ इमेज डेटा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि देखो आफ्टर ऑल इट इज़ अ 2D इमेज। अब जैसे ये इस मंकी की आँख है और ये इस मंकी की नाक है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टू आइडेंटिफाई दैट दिस इमेज इज ऑफ अ मंकीज, राइट। अब जैसे ही आप इसको अनपैक कर रहे हो रो बाय रो, हटा रहे हो रो बाय रो, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये हट जाएगा, 1D में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू लूज सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स लाइक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, 2D में हर पिक्सल जहाँ पर है वहाँ पर होने का एक मतलब है, जैसे ही आप उस 2D को 1D में लाते हो आप वो मतलब वो लूज़ कर जाते हो, वो फीचर लूज़ कर जाते हो, जिसकी वजह से उतने अच्छे से आप अपना काम नहीं कर पाओगे, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे जितना अच्छे से आप कर पाते अगर आप इसको 2D में ही रखते। सो ये दो तीन बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली समझ सकते हो कि क्यों हम ANN यूज़ नहीं करते और क्यों हमें CNN का सहारा लेना पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सो अब हम लोग इंट्यूशन लेंगे कि CNN काम कैसे करता है, ठीक है, और हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन टास्क का एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक इमेज है और हमें प्रिडिक्ट करना है कि उसके अंदर 9 लिखा हुआ है कि नहीं। अब ये टास्क उतना सिंपल नहीं है। इमेज क्या होता है, इमेज इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, यू कैन सी एवरी स्क्वायर बॉक्स हियर इज़ अ पिक्सल, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है इस टास्क में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 सिर्फ इसी तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल 9 लिखने के कई तरीके हैं इस ग्रिड में। बट हमें एक इस तरह का कोड लिखना है या हमें एक इस तरह का मॉडल बनाना है जो किसी भी तरह के 9 को डिटेक्ट कर पाए कि हाँ यहाँ पे 9 लिखा है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हम या फिर CNN की अगर आप बात करो तो वो कैसे क्लासीफाई करता है किसी डिजिट को कि वो 9 है कि नहीं, वो बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स फॉलो करता है जो हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए। चलो एक बार आंख बंद करके आप सोचने की कोशिश करो कि आपके सामने ये डिजिट 9 है और आपको क्लासिफाई करना है, आप कैसे पहचानोगे कि 9 लिखा हुआ है। सो हम क्या करते हैं या फिर हमारा दिमाग क्या करता है कि वो कुछ पैटर्न्स खोजने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर एक सर्कल है इस तरीके का, अगर एक वर्टिकल लाइन है इस तरीके की, और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके की, तो देर इज़ अ ग्रेट चांस कि ये जो डिजिट है ये 9 है, राइट। अब अगर इसमें थोड़ा वेरिएशन भी हो जाए, जैसे कि मान लो ये सर्कल कुछ ऐसा है, ये लाइन थोड़ा सा ऐसा है और ये वाला लाइन थोड़ा सा ऐसा है, तो भी हमारा दिमाग समझ पाता है कि ये 9 है। सो जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि हम इस डिजिट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम उसको फीचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फीचर्स क्या है यहाँ पे, फीचर है ये 3 चीज़ें, ये सर्कल, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली हमारा CNN भी क्या करता है कि हम जब उसको ये इमेज प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे पहले
इसके अंदर से कुछ प्रिमिटिव फीचर्स निकालने की कोशिश करता है. प्रिमिटिव फीचर्स मतलब एजेस, एजेस लाइक ये एज और ये एज और ये एज, ये एज जिससे मिलके सर्कल बन रहा है, ये एज, ये एज, ये एज. तो सबसे पहले हमारा CNN क्या करता है कि वो इन फीचर्स, एकदम प्रिमिटिव फीचर्स, एजेस को निकालने की कोशिश करता है. और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उन प्रिमिटिव फीचर्स को जोड़ करके थोड़े और कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाता है. जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स फीचर हो गया ये सेमी सर्कल, दूसरा कॉम्प्लेक्स फीचर हो गया ये सेमी सर्कल, ठीक है. फिर अगले लेयर में वो इसको जोड़ करके सर्कल बना देगा, ठीक है. सो दैट इज हाउ CNN वर्क्स. मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि लेयर बाय लेयर CNN में क्या होता है. सो ये मैंने एक CNN ड्रॉ कर लिया है. सो CNN में होते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर्स. कॉन्वोल्यूशन लेयर्स आर बेसिकली फिल्टर्स. फिल्टर्स का काम होता है फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना, आपके इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, यही काम होता है. सो दीज आर नथिंग बट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस. इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल जस्ट इंट्यूशन लेने की कोशिश करो. सो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो फिल्टर है इसको हम इस इमेज के ऊपर काइंड ऑफ मूव कराते हैं. और मूव कराने का मेन आइडिया है कि हमें ये फीचर्स खोजने हैं. हम खोजना चाह रहे हैं कि ये वाला पैटर्न इस इमेज में है या नहीं, ये वाला पैटर्न इस इमेज में है या नहीं. सो जो जो पैटर्न्स मुझे इस इमेज में मिलने लगेंगे वो सारे के सारे फीचर्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं. और फिर वो एक्टिवेटेड फीचर्स को हम दोबारा एक दूसरे कॉन्वोल्यूशन लेयर में भेजते हैं, जिसका काम होता है पिछले वाले फीचर्स को मर्ज करके थोड़े और कॉम्प्लेक्स बट मीनिंगफुल फीचर्स को बनाना. और ये काम आप रिपीट करते रहते हो. फिर हमने अगले कॉन्वोल्यूशन लेयर में डाला, फिर हमने इन दोनों को मर्ज करके और ज़्यादा मीनिंगफुल फीचर बनाया, इन दोनों को मर्ज किया और ज़्यादा मीनिंगफुल फीचर बनाया. और फिर आप आगे और कॉन्वॉल्व करते जाओगे और इवेंचुअली आपको आपका 9 मिल जाएगा. सो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में इस पॉइंट पे घुसने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक सिंपल इंट्यूशन लेना है कि होता क्या है कि आप अपने इमेज को फिल्टर्स के सामने रख देते हो. फिल्टर का काम होता है शुरू में प्रिमिटिव फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना. प्रिमिटिव फीचर्स मतलब एजेस डिटेक्ट करना, जैसे ये सारे एजेस हमने डिटेक्ट किए. फिर हम उन एजेस को उठा करके दोबारा कॉन्वोल्यूट करते हैं, कॉन्वॉल्व करते हैं विथ अ डिफरेंट फिल्टर. और फिर उसका काम होता है थोड़े और कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना. और इंक्रीजिंगली आप जितना डीप जाते हो इस लेयर में, इस पूरे नेटवर्क में, आपको और कॉम्प्लेक्स फीचर्स मिलते जाते हैं. एंड इवेंचुअली यू हैव द फीचर्स जिसको पकड़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो डिजिट है वो 9 है या नहीं. तो दिस इज़ द मेन इंट्यूशन. अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पढ़ेंगे, पूलिंग पढ़ेंगे, पैडिंग पढ़ेंगे, स्ट्राइड्स पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ बहुत क्लियर होगा. बट मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे आप इंट्यूशन ले लो कि ये पूरा का पूरा जो न्यूरल नेटवर्क है, ये जो पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क है वो इंक्रीजिंगली जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. फीचर्स क्या है जिससे आपका ये इमेज बना हुआ है. अगर आप बात करो एक कैट इमेज डिटेक्ट करने के लिए, तो शुरू में आप पहले एजेस डिटेक्ट करोगे, फिर उन एजेस से आप कान डिटेक्ट करोगे या आँख डिटेक्ट करोगे, फिर आँख और कान से मिला करके आप फेस डिटेक्ट करोगे, फिर फेस और बॉडी को मिला करके आप डिटेक्ट करोगे कि ओके दिस इज़ अ कैट, ठीक है. तो यही हो रहा है. अगर आपने कैट का फोटो भेजा होता तो शुरू वाले जो लेयर्स होते उनका काम होता सिर्फ ये एजेस डिटेक्ट करना, ये एजेस डिटेक्ट करना. फिर उसके आगे वाले लेयर का काम क्या होता, थोड़े और कॉम्प्लेक्स फीचर्स डिटेक्ट करना, जैसे कि कान या फिर आँख या फिर मुंह. फिर आगे वाले लेयर्स का काम क्या होता, फेस को डिटेक्ट करना या बॉडी को डिटेक्ट करना. और फिर उसके आगे वाले लेयर का काम होता कंप्लीटली जो कैट के सबसे डोमिनेंट फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना. तो इसी तरीके से आपका CNN काम करता है. इसका मैथमेटिकल डिटेल क्या है वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे. आई होप इस पॉइंट पे क्लियर है जो मैंने समझाने की कोशिश की. नाउ लेट मी शो यू सम एप्लीकेशंस ऑफ CNN. CNN आज की डेट में बहुत पॉपुलर है और बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं. उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. सो सबसे पहला प्रॉब्लम जहाँ पे सबसे ज़्यादा CNN यूज किया जाता है वो है इमेज क्लासिफिकेशन. बेसिकली एक गिवन इमेज को किसी एक क्लास में डालना, मतलब जैसे कोई इमेज देख के हमें बताना है कि उसके अंदर कैट है या डॉग है,
ठीक है, सो यू कैन सी आपके स्क्रीन पे देर आर मल्टीपल इमेजेस और नीचे सीएनएन के रिजल्ट्स हैं। इन द फर्स्ट इमेज माइट का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सेकंड वाला इज अ कंटेनर शिप, मोटर स्कूटर एंड लेपर्ड। सो सीएनएन ये काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि अगर आप वहां पर एक इमेज प्रोवाइड करो सीएनएन को, तो सीएनएन गिवन क्लास में बता सकता है कि कौन सा इमेज है वो। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट प्राइमरी टास्क जो सीएनएन से करवाया जाता है। द सेकेंड टास्क इज ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। सो एक गिवन इमेज में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसके इर्द गिर्द हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के बताते हैं उसका लोकेशन। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। ठीक है, तो किसी पिक्सल में किसी चीज को खोजने का तरीका है ये। इसमें भी सीएनएन को बहुत यूज किया जाता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये भी एक चीज है जो बहुत यूज होती है स्पेशली सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी टेक्नोलॉजी में। इस तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत यूज किया जाता है। बेसिकली एक गिवन इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप नॉट ओनली उनको खोजते हो बल्कि आप उनको लोकेट भी करते हो बाय ड्रॉइंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स अराउंड देम। ठीक है, साथ ही साथ आप एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करते हो कि कितने कॉन्फिडेंट हो आप कि आप जो बोल रहे हो वही ऑब्जेक्ट पिक्चर में है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया इज अगेन अ वेरी फेमस एप्लीकेशन एरिया, आई एम श्योर हम सभी ने यूज किया होगा। इट्स फेशियल फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, आज की डेट में हमारे स्मार्टफोन कैमरास दे आर इक्विप्ड विद दिस टेक्नोलॉजी, और आपको ये जान के खुशी होगी कि इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है वो एक सीएनएन है। नेक्स्ट इज इमेज सेगमेंटेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, अगेन सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में इसको बहुत यूज किया जाता है। इसमें आप क्या करते हो कि आप एक इमेज को रीजन्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर यू कैन सी एक टाइगर इज वॉकिंग ऑन अ ग्रास बैकग्राउंड। तो यहाँ पर यू कैन सी हमने सारे के सारे इमेज को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब आगे आपको किसी भी तरह का प्रोसेसिंग करना है या एनालिसिस करना है इस इमेज का, उसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है। द नेक्स्ट वन इज सुपर रेजोल्यूशन। पुराने फोटोज को जो बहुत लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हो, आप उनका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम। अगेन सीएनएन इसमें बहुत सही है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर फोटोज में कन्वर्ट करना। इनफैक्ट आपने इसके बारे में सुना होगा, रिसेंटली बहुत न्यूज आ रहा है कि हम पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कलर, या फिर अगर आपके पुराने फोटोज हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स के या उससे भी पुराने, तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें भी सीएनएन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड द लास्ट वन इज पोज एस्टिमेशन। तो अगर आप कैमरा फीड के थ्रू एक ह्यूमन बींग का पूरा बॉडी दिखाते हो, तो ये सीएनएन एल्गोरिदम क्या कर सकता है कि उनके बॉडी का जो करंट पॉस्चर है वो डिटेक्ट कर सकता है। सो बहुत सारे ऐप्स हैं आज की डेट में, स्पेशली जो हेल्थ डोमेन के ऐप्स हैं, वो लोग कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं योगा वगैरह के, तो वहां पर वो अपने कस्टमर्स को चेक करने के लिए इस तरह के एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सबॉक्स है या फिर प्ले स्टेशन है, उसमें भी जो गेम्स खेले जाते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, वहां पर भी इस तरह का टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये कुछ 6-8 एप्लीकेशन एरियाज मैंने बताए जहाँ पे बहुत यूज हो रहा है सीएनएन। इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करोगे, यू वुड फाइंड क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जहाँ पे आज की डेट में सीएनएन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो आई होप आपको ये सब कुछ देख करके काफी इंस्पिरेशन मिल रहा होगा कि जो चीज आप सीखने जा रहे हो वो एक्चुअली मैजिकल है और कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। सो हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया इस वीडियो में अबाउट सीएनएन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, कैसे मैं आपको सीएनएन पूरा पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीएनएन के जो बेसिक्स हैं ना वो पढ़ाऊँगा। सो अगले वीडियो में आई विल कवर द बायोलॉजिकल कनेक्शन। मैंने आपको बताया था कि सीएनएन का जो आर्किटेक्चर होता है वो हमारे खुद के ब्रेन से इंस्पायर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक। मैं आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे सीएनएन काम करता है। उसके बाद के जो 2-3 वीडियोस होंगे ना वो हम सीएनएन के बेसिक्स के ऊपर करेंगे। जैसे कि हम एक वीडियो में पूरा पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे काम करता है, फिर हम पढ़ेंगे पैडिंग और स्ट्राइड क्या होता है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक और जो लेयर यूज़ होता है पूलिंग लेयर, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और एक बार जब हम ये पूरा चीज़ पढ़ लेंगे ना
फिर हम एक पूरा का पूरा CNN आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, ठीक है? तो ये काइंड ऑफ समरी वीडियो होगा। एक बार इतना करने के बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, हम CNN वर्सेस ANN सारे के सारे प्रैक्टिकल कंपैरिजन्स करके देखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि CNN कैसे काम कर रहा है, ANN कैसे काम कर रहा है। इतना करने के बाद हमारा थ्योरी पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम थोड़े प्रैक्टिकल पार्ट्स में मूव करेंगे और हम एक डॉग वर्सेस कैट क्लासिफायर बनाएंगे, जहाँ पर हम एक डेटा सेट को उठाएंगे जहाँ पे डॉग्स और कैट्स की फ़ोटोज़ होंगी, हम अपने CNN को ट्रेन करेंगे, नए फ़ोटोज़ देंगे और हमारा CNN बताएगा कि नई फ़ोटो में जो एंटिटी है वो कैट है या डॉग है, ठीक है? उसके बाद हम लोग फिर एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेटा ऑगमेंटेशन, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा की कमी होती है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और इतना करने के बाद फिर हम कुछ पॉपुलर CNN आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, लाइक लेनेट, एलेक्स नेट, VGG नेट, रेजनेट एंड द एक्सेप्शन मॉड्यूल। ये पांच आर्किटेक्चर्स हम लोग देखेंगे और लास्टली ये सारे आर्किटेक्चर्स देखने के बाद हम लोग एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग एक दो प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे एंड दैट्स इट। फिलहाल हम लोग CNN में इतनी ही चीज़ें कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला पार्ट मैंने प्लान किया है कि मैं RNN पढ़ाने के बाद वापस आके कवर करूंगा, सो दैट्स द प्लान। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको CNN का इंट्रोडक्शन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगले 10 से 12 वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू कम्प्लीट CNN एज फास्ट एज पॉसिबल, और देन विल मूव ऑन टू RNN, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।